जी, कई लोग घर का निर्माण करते हैं लेकिन घर बनाते समय वास्तु का ख्याल नहीं रखते हैं और दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार रखते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा शुभ नहीं मानी जाती है। तो ऐसे समय में क्या उपाय करना चाहिए जो अनहोनी है वो टल जाए? हर हर महादेव, जय बाबा बद्रीनाथ। लोग घर बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका हो जाता है कि दक्षिण दरवाज़ा हो जाता है। तो दक्षिण दरवाज़ा जो है वह घर के लिए शुभदायक नहीं है। दक्षिण दरवाज़ा कदापि नहीं होना चाहिए। यदि सरकारी रोड है, यदि आपके घर के सामने सरकारी रोड है तो उसमें दोष कम लगेगा, लेकिन यदि रोड नहीं है तो आपका घर जो है वह दक्षिण दरवाज़ा दोषी होता है, क्योंकि दक्षिण दरवाज़ा जो है वह जमक द्वार कहा जाता है। तो इस दोष से बचने के लिए करना क्या है, क्योंकि जब घर बन जाता है तो वह टूटने वाला नहीं है, घर एक बार बनता है। तो उसके लिए उपाय किया जाता है, घर के मुख्य दरवाजे पर आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं या गणेश जी का भी चित्र लगा सकते हैं। इसके बाद स्वास्तिक बना हुआ आप घर के अगल बगल में स्वास्तिक अवश्य बनाएं, घर के दरवाजे के बाएं दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं, या तो फिर चांदी का स्वास्तिक ऊपर में आप लगा दें। इससे आपका घर का जो दक्षिण दरवाजा का दोष है, वास्तु का दोष है, टल जाएगा। और घर के सामने यदि जगह हो तो कैक्टस का पौधा लगाएं, कांटेदार जो कैक्टस होता है उसका पौधा यदि आप लगाते हैं घर के दक्षिण तरफ, तो आपके घर का दक्षिण दरवाजा का दोष जो है, मुख्य दरवाजा का दोष जो होता है, वास्तु का दोष जो होता है, वह कट जाएगा और घर में आपके सुख और समृद्धि बना रहेगा।